इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं रेडिसन ब्लू, ग्रेनाइट स्टूडियो। नमस्कार, रितम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे तमिलनाडु का दौरा, कोयंबटूर में करेंगे रोड शो। रूस में कायम रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार, 87.97% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दर्ज की जीत। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी का अरविंद केजरीवाल को नौवां समन, 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब नीति केस के अलावा ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और केस में भेजा समन, 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा है मामला। ईडी के समन को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का आया बयान, बोली ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को सिर्फ गिरफ्तार करना है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर, महादेव ऐप मामले में हुआ एफआईआर। आईपीसी की धारा 120B, 406, 420 समेत कई धाराओं के तहत हुआ एफआईआर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा, पांडेश्वर में बीजेपी महिला नेता रीना ठाकुर की दुकान में कुछ लोगों ने लगाई आग, बीजेपी नेता ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। संजय सिंह 19 मार्च को लेंगे राज्यसभा सांसद की शपथ, कोर्ट से मिली इजाजत। आरसीबी ने जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, दिल्ली कैपिटल्स को उसी के घर में हराया। बीते 17 मार्च को भारत मालदीव के बीच तीसरी कोर ग्रुप की बैठक, सैन्य कर्मियों की वापसी को लेकर हुई समीक्षा। अमेरिका में फिर एक भारतीय छात्र की हत्या, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था छात्र, बीते 3 महीने में 9 छात्रों की हो चुकी है हत्या। अरब सागर में वीरता के झंडे गाड़ रही है इंडियन नेवी, हाईजेक जहाज से 17 बुल्गारिया लोगों को बचाया, सरेंडर को मजबूर हुए 35 समुद्री डकैत। भारतीय नेवी की मदद को लेकर बुल्गारिया ने कहा शुक्रिया, तो जयशंकर ने अलग अंदाज में दिया जवाब, कहा मित्र इसीलिए होते हैं। यूट्यूबर अल्वेश यादव पर लगा एनडीपीएस एक्ट, सांपों की जहर की तस्करी मामले में 14 दिन की हुई न्यायिक हिरासत। या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। The ministry offices in Luton's Delhi, Hotel Janapath, as well as airport terminals. Granite Studio India, with its prestigious brands, rich experience, and the trust of our clients, can be your reliable partner. We are here for you, for innovating, processing, supplying, and executing in stone. Contact us today for our special sample kit. बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का आया बयान, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पार्टी बिहार में 10 से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, ईडी कोर्ट में जमानत के विरोध में रखेगी पक्ष। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस सांसद रंजीत रेड्डी ने दिया बीआरएस पार्टी से इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को लगा झटका, आदिवासी नेता अमशा पांडवी शिंदे गुट में हुए शामिल। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख बदली, अब 2 जून को आएंगे नतीजे। AIADMK को चुनावी बॉन्ड से मिले 6.05 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा चेन्नई सुपर किंग ने दिया चंदा। सभा के पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव भाजपा में हुए शामिल, डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। बदल रहा है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में दिखा फॉर्मूला 4 कार शो का रोमांच, डल झील के किनारे हुए हैरतअंगेज करता। CUET UG 2024 परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं, लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं टलेगा एग्जाम। आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी, आसपास के इलाके खाली करने के दिए गए निर्देश। भारत में रह रहे रूसी लोगों ने रूस के राष्ट्रपति को चुनने के लिए किया मतदान, रूस के राजदूत डेनिस ने कहा कि भारत में रूसी राष्ट्रपति चुनाव सफलतापूर्ण संपन्न हुआ, कुल 1701 वोट पड़े। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को ईडी गठबंधन से मिला ऑफर, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि यदि पशुपति कुमार पारस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहे तो उनका स्वागत है। हरियाणा के पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंचकुला में श्री मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की सदस्यता हुई खत्म, बीजेपी में हुए थे शामिल।
कोलकाता के गार्डन रिच इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढही, 10 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के सीधी में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे, 5 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हैं घायल। तो ये थी आज सुबह की कुछ मुख्य खबरें। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रिदम ऐप को डाउनलोड करें।